लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन ने टोनी को लड़ाई में हरा के मार दिया था, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान हो गए थे। जिसके बाद वो लोग जिन से लड़ने के लिए आगे आते हैं, पर जिन उनसे एक साथ नहीं लड़ सकता था, इसलिए वो मौका पाके वहां से भाग गया था, जिसके पीछे पीछे चार्ल्स भी आ गया था। इधर जिन को एक महल के अंदर से एक खूबसूरत पेंटिंग मिलती है जो एक ज्योग्राफिकल मैप था, तो जिन उस पेंटिंग को लेके महल के बाहर आ गया था, जहां उसे चार्ल्स मिलता है जो उस पेंटिंग को देने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उस पेंटिंग को ले जाकर सबसे पहले उस घोस्ट को देख के लीजा का दिल जीतना चाहता था। लेकिन जिन इसके लिए नहीं मानता और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है, जहां जिन चार्ल्स पे भारी पड़ रहा था, तो चार्ल्स अपनी पूरी पावर इकट्ठा करके जिन पे हमला करता है, जिसकी वजह से होली लैंड के अंदर के सभी लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में भूकंप के झटके महसूस करने पे निकी की बहन उससे कहती है कि जरूर कोई अपनी पूरी बॉडी की पावर इस्तेमाल करके लड़ रहा है, जिसपे निकी पूछती है कि आखिर ये कौन हो सकता है, जिसपे निकी की बहन कहती है कि बाकी कोई और ऐसी हरकत नहीं करेगा, जरूर ये जिन ही होगा, इसलिए हमें उससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए खतरनाक बन सकता है, और पता नहीं चार्ल्स भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके उसे हरा पाया होगा या नहीं। इधर हम जिन को देखते हैं जिसने चार्ल्स को हरा के उसका गला पकड़ लिया था, जिसपे चार्ल्स जिन को कहता है कि तुम्हारे पास ताकत है तो मुझे मार दो, तो जिन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि लीजा को पूर्वजों वाली जगह में एंटर होने के लिए तुम्हारी जरूरत है, पर अब तुम्हारी बॉडी पावर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए मुझे अब तुम्हारे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनके चार्ल्स कहता है कि भले ही तुम मुझे मत मारो, पर मैं तुम्हें जरूर मारूंगा, जिसपे जिन बोलता है कि तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अगर तुमने लीजा या किसी और को तंग करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद जिन उस महल में वापस चला जाता है। तभी हम चार्ल्स के सर पे एक अजीब सा निशान देखते हैं जो अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर चार्ल्स हैरान हो जाता है। इधर जिन महल के अंदर बैठ के अपने आप को हील करने लगता है, जहाँ हील करते करते उसके मुंह से खून निकलता है, तो जिन डिसाइड करता है कि वो आगे से अपनी बॉडी पावर का इस्तेमाल बहुत कम करेगा। इसके बाद जिन उस स्पिरिट स्टोन को बाहर निकाल लेता है, जिसे उसने टोनी और बाकी सबसे छीना था ताकि वो कल्टीवेट करके अपनी रैंक बढ़ा सके। इधर हम ज़ेनियन हॉल के कुछ एल्डर्स को देखते हैं, जिन्हें काइली ने सब कुछ बता दिया था कि टोनी मर चुका है और उसे एक बंदे ने मारा है। ये सुनके उनमें से एक एल्डर काइली को बोलता है कि टोनी ज़ेनियन हॉल के ताकतवर यंग मास्टर में से एक था, तो उसे किसी ने ऐसे कैसे हरा दिया? साथ ही स्कॉट उस वक्त कहाँ पे था? जिसपे काइली उसे बोलती है कि जिन ने एक स्पेशल सनलाइट मून टेक्निक सीख रखी है, जिसकी वजह से वो टोनी को हरा पाया, और स्कॉट उस वक्त एक सीक्रेट टेक्निक खोज कर रहे थे। ये सुनके वो एल्डर कहता है कि कोई ऐसे ही ज़ेनियन हॉल से पंगे लेना क्यों चाहेगा, जिसपे काइली का सैनिक उस लीडर से बोलता है कि उसका नाम जिन था और वो बिताओ पेवेलियन से था, जिसके लोगों पर हमने पहले हमला करा था। ये सुनके वो एल्डर को सब कुछ समझ आ जाता है। तभी दूसरा एल्डर काइली और उन सैनिकों को बोलता है कि तुम सब स्कॉट के पास चले जाओ और वो सीक्रेट टेक्निक बिना हासिल किए वापस मत आना। जिसपे एक सैनिक उस एल्डर से पूछता है कि तो क्या हम जिन का कुछ नहीं करेंगे? तो एल्डर कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, जिन जैसे ही होली लैंड से बाहर निकलेगा उसे मार दिया जाएगा। ये सुनके काइली हैरान हो जाती है। इस तरफ जिन अपने मन में सोचता है कि मैं इतना इंजर्ड होने के बाद भी अपना लेवल बढ़ा सकता हूँ, इसलिए जिन अपने स्क्रोल के पास जाके उसे उस स्पिरिट स्टोन से पावर देने लगता है। लेकिन ऐसा करते करते उसे अजीब सा महसूस होता है और वो अचानक से अपने नॉर्मल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ आने पे उसे पता चलता है कि उसके स्टोन की पावर खत्म हो गई है। तो ये देखकर जिन को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्टोन को जमीन पे मार के बोलता है कि इसने तो मेरी रैंक तक नहीं बढ़ाई, इससे अच्छा तो इसे कोई और ले लेता। तभी जिन उस लीव वाले पेपर को देखने लगता है, जिसका कुछ हिस्सा अच्छे से विजिबल होने लग गया था। ये देखकर जिन खुश हो जाता है। इसके बाद जिन महल से बाहर निकलता है, जहाँ पे स्कॉट के साथ साथ सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे, जिन्हें देखकर जिन चौंक जाता है। तभी स्कॉट उसे बोलता है कि हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। ये सुनके जिन अपने मन में सोचता है कि इसने पहले तो मुझे फंसा दिया और अब ये क्या चाहता है। उसी वक्त स्कॉट बोलता है कि मुझे होली लैंड के बीचों बीच एक महल मिला है, जिसके चारों ओर एक बैरियर बना है। तभी वहाँ खड़ा वो लीडर कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम उस पैलेस के अंदर जाने में हमारी मदद करो, क्योंकि तुम इस काम में अच्छे हो। तो जिन कहता है कि मैंने तो तुम लोगों को बहुत परेशान किया है, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? जिसपे लियांग शेन फैमिली का लड़का बोलता है कि इसलिए हम चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों का कंपनसेट करो, नहीं तो हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनके जिन मन में सोचता है कि वो अकेला इनसे नहीं लड़ सकता, इसलिए वो उन सबकी मदद करने के लिए मान जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।